जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज पर। तो दोस्तों, आपके एक स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आउट हो गई है। तो दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आउट हुई है। तो दोस्तों, इसमें बात करें आपके पोस्ट की और विभाग की, तो दोस्तों ये आपके जिपमेर जो कि दोस्तों जवाहर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संस्थान है, वहाँ पर आउट हुई है, जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री और मंत्रालय सरकार के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, इन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन ये दे रखा है, नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, यहाँ पर स्टार्टिंग में दोस्तों पहले डेट मैं आपको बता दूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो दोस्तों 19 अक्टूबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन, और लास्ट डेट इसकी 16 नवंबर रहेगी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, इन्होंने ऑनलाइन जो आपका पेपर होगा CBT, उसकी डेट भी दे दी है 2 दिसंबर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए रहेगी। और अब बात करते हैं दोस्तों आपके पोस्ट की। तो दोस्तों, इसमें आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, देखिए यहाँ पर टोटल 21 अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है। बट दोस्तों, अब जो SC ST WS वाले हैं, वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि जनरल में आप आवेदन कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों, को बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स की। तो दोस्तों, ये रिजर्वेशन के बारे में उन्होंने बता रखा है, और हम क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करते हैं। तो दोस्तों, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, 12th पास में मिनिमम मांगा गया है। और बात करें स्किल टेस्ट की, तो वही दोस्तों 80 WPM की आपकी स्पीड होगी। इंग्लिश वालों को ट्रांसक्राइब करने के लिए 50 मिनट और हिंदी वालों को 65 मिनट यहाँ पर दिया जाएगा। पे लेवल लेवल 4 रहेगा, तो इसमें ये अच्छी चीज़ है। और दोस्तों, कम से कम आपकी 18 एज होनी चाहिए और अधिकतम 27 साल होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, CBT जो आपका होगा, उसमें आपको जो अनडिजर्व कैटेगरी वालों को टोटल जो मार्क्स का परसेंटेज है, तो 50% तो आपको अनडिजर्व और EWS को लाना होगा, और जो SC ST OBC है उनको मिनिमम 40% नंबर तो उसमें लाने ही होंगे रिटर्न में। और स्किल टेस्ट में तो दोस्तों 50 क्वालिफाई है, लेकिन 50% तो आपको उसमें करना ही होगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की दोस्तों हम बात यहाँ पर करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन फीस की। तो दोस्तों, इसमें फीस बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर भी इसमें रहेगी। अनरिजर्व और EWS के लिए दोस्तों 1500 रुपये फीस है, OBC के लिए भी 1500 रुपये फीस है, SC ST वालों के लिए 1200 रुपये फीस है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, एक ही पोस्ट है, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा इसमें इन्होंने मांगी है। तो जो भी, यदि आपका रिटर्न बहुत अच्छा है, तो आप इसकी फॉर्म भरिएगा, और बाकी आपके विवेक अनुसार इस चीज़ को देख लीजिए, क्योंकि इसमें दोस्तों फीस बहुत रियल में ही ज़्यादा है। और दोस्तों, बात करें इसमें सर्टिफिकेट की, जब आप फॉर्म भरोगे, तो दोस्तों इन्होंने पहले बात इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए, SC ST और WC वालों वालों के लिए। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा, और ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। अब दोस्तों, एग्जाम सिटीज की बात करें, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको पूछा भी जाएगा। इसमें दोस्तों एग्जाम सेंटर आपके एक तो पांडुचेरी, दिल्ली, दिल्ली में होगा, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, कोयम्बटूर, मदुरई, सेलम, तिरुचापल्ली, वेल्लोर। दोस्तों मोस्ट ऑफ इसमें जो दक्षिण के राज्य हैं वही हैं, लेकिन जो आपके उत्तर में राज्य हैं वो एक तो दिल्ली है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। जो भी आपके पास पड़ता हो वह आप भर दीजिएगा। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, इसमें एक एडमिट कार्ड की जगह दोस्तों आपका हॉल टिकट आता है। जब आप फॉर्म भर दोगे तो आपका हॉल टिकट जारी होंगे, तो उसे ऑनलाइन ही आपको निकलाना होगा। इसी के बेस पे आपका एग्ज़ाम वहाँ पर होगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे क्या वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, सीटीज़ आपकी बदली नहीं जाएगी, तो आप ध्यान से रखिएगा। तो इन्होंने बता रखा है, और दोस्तों इन्होंने बता रखा है कि जो आपका मॉक टेस्ट के बारे में, जब आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर वाला, उससे पहले 5-6 दिन पहले आपको मॉक टेस्ट वेबसाइट पर अपलोड करवा दिया जाएगा, कि कैसे क्या पेपर आता है, तो उसके भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, बात करते हैं आपकी जो रिटर्न में अब कैसी क्या मार्किंग होगी। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का यहाँ पर होने वाला है, और एक क्वेश्चन के लिए गलत करते 1 नंबर आपका कट जाएगा, और एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ मार्किंग दी हुई है, और रिजल्ट के बारे में दोस्तों ने बता नहीं रखा है कि केस कब क्या, लेकिन एग्ज़ाम डेट बता रखी है, 2 दिसंबर को इनका एग्ज़ाम होगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये डिटेल नोटिफिकेशन था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल की जानकारी चैनल पर लाते रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।